भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया, सीरीज में 2-0 से आगे। कुलदीप ने 4 विकेट लिए। भारत ने माउंट माउंगानुई में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से हरा दिया। टीम इंडिया से मिले 325 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 234 रन पर रॉयल आउट हो गई। उसके लिए 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले डग ब्रेसवेल ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 5 वनडे की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 324 रन बनाए। रोहित ने करियर का 38वां और धवन ने 27वां अर्धशतक लगाया। धवन 66 और रोहित 87 रन बनाकर आउट हुए। महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 48, अंबाती रायड्डू ने 47 और कप्तान विराट कोहली ने 43 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गुसन ने 2-2 विकेट लिए। ऐसे गिरे न्यूजीलैंड के विकेट। पहला विकेट 4.6 ओवर। न्यूजीलैंड को पहला झटका 5वें ओवर में ही लग गया। भुवनेश्वर कुमार ने मार्टिन गुप्टिल को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराया। गुप्टिल ने 16 गेंद की पारी में 15 रन बनाए। दूसरा विकेट 7.5 ओवर। गुप्टिल के बाद क्रीज पर आए कप्तान केन विलियमसन ने तेजी से बल्लेबाजी की और 11 गेंद में 20 रन बना दिए। वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने विलियमसन को बोल्ड कर दिया। तीसरा विकेट 14.1 ओवर। 15वें ओवर की पहली गेंद पर दूसरे ओपनर कॉलिन मुनरो भी पवेलियन लौट गए। उन्हें युजवेंद्र चहल ने LBW आउट कर दिया। मुनरो ने 41 गेंद में 31 रन बनाए। चौथा विकेट 17.1 ओवर। 18वें ओवर में रॉस टेलर आउट हो गए। उन्हें केदार जाधव की गेंद पर धोनी ने स्टंप आउट कर दिया। टेलर ने 25 गेंद में 22 रन बनाए। पांचवां विकेट 24.3 ओवर। कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड को 5वां झटका दिया। उन्होंने 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम लाथम को LBW आउट कर दिया। लाथम ने 32 गेंद में 34 रन बनाए। छठा विकेट 26.6 ओवर। कुलदीप की इस गेंद को कोलन डी ग्रांडहोम ने डीप मिड विकेट की ओर स्लॉग किया। हालांकि गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरह से आ नहीं पाई और बाउंड्री से थोड़ा पहले केदार जाधव ने उनका कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। सातवां विकेट 30.4 ओवर। कुलदीप की फ्लाइट और टर्न लेते गेंद पर हेनरी निकोलस चूक गए। उन्होंने बाहर आकर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद थर्ड मैन पर खड़े मोहम्मद शमी के हाथों में पहुंच गई। इस समय टीम का स्कोर 166.7 रन था। आठवां विकेट 30.5 ओवर। हेनरी की जगह सोढ़ी ने ली। हालांकि वे कुलदीप की स्पिन को समझ नहीं पाए और गेंद उनके लेग स्टंप को उखाड़ गई। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 166.8 रन था। कुलदीप के पास हैट्रिक का मौका था, हालांकि वे अपनी अगली गेंद पर विकेट नहीं ले पाए। नौवां विकेट 39.2 ओवर। भुवनेश्वर ने भारत को 9वीं सफलता दिलाई। उन्होंने डग ब्रेसवेल को धवन के हाथों कैच आउट कराया। ब्रेसवेल ने 46 गेंद में 57 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 5 चौके और 3 छक्के लगाए। 10वां विकेट 40.2 ओवर। चहल ने न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट लिए। उन्होंने लॉकी फर्गुसन को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कराया। फर्गुसन ने 20 गेंद में 12 रन बनाए।